पेपर स्टार्ट करते हैं। 2021 इंदर बस्ता का पेपर है। क्वेश्चन नंबर वन आपको बोल रहा था, स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज रैशनल। द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज रैशनल, सबसे पास आपके पास बोल रहा है सेवन। सेवन का स्क्वायर रूट लेंगे, सेवन का स्क्वायर रूट, जब रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो नोट डाउन करते ना इसको, साथ साथ जो मैं कराता जाऊंगा, रूट सेवन, रूट के अंदर प्राइम नंबर है, रूट के अंदर यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। जिन्होंने घर से पेपर कर रखा है वो लोग लिखो ये भी, आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखे होंगे। तो नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 1.96, ये हो जाएगा 1.4, और 1.4 क्या होता है, दिस इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट 0.4, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 डेसिमल नंबर 10 आएगा, ये फिर द्वारा आपका ये बन जाएगा हमारा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा भी दूं, ये 4/10, 4/10 हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा, तो दोबारा से आपके रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। फिर है हमारे पास √13, रूट में प्राइम नंबर आ गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, हो जाए तो डन इन दी चैट बॉक्स। हरनी तन्मय दस्तीन बेटा कोशिश करे कैमरा ऑन करके बैठिए। नेहल किशिका, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर टू, स्क्वायर इफ एन इज अ नेचुरल नंबर देन रूट एन। अगर एक नेचुरल नंबर है, रूट के अंदर अगर एन है, एन एक नेचुरल नंबर है, तो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ये हमारा रैशनल आ सकता है, ये हमारा इरेशनल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ एन। बिकॉज टू क्या होता है हमारा, टू आपका नेचुरल नंबर है और साथ में प्राइम नंबर है, तो जिससे इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो आंसर क्या क्या है इसके, आपको एक आंसर दिया ऑलवेज अ नेचुरल नंबर गलत है, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर ये भी गलत है, इसका डी पार्ट हो जाएगा समटाइम्स नेचुरल एंड समटाइम्स इरेशनल नंबर, समटाइम्स नेचुरल समटाइम्स इरेशनल नंबर। अब ये होगा भी क्यों और कैसे होगा, इसकी एग्जांपल भी देखो, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा तो आंसर 1 आएगा, तो ये रैशनल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट में प्राइम नंबर आ जाएगा तो ये इरेशनल हो जाएगा हमारा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 द्वारा से इरेशनल हो जाएगा। यार फोन साइलेंट करो इसका भी है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 या फिर 2 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर। और ऑफलाइन जितने बैठे हैं सब लोग अपना फोन साइलेंट कर लो। अगर आपके पास दोबारा से आ जाएगा √5, √5 रूट में प्राइम नंबर आ गया है तो फिर ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट, ये पेपर्स कितने स्कूल में सब्जेक्टिव होने स्टार्ट हो गए हैं तो लॉजिकली आप लोग क्वेश्चन को कर लो सॉल्व। थर्ड, हम लोगों को इरेशनल नंबर निकालना है 2 और 2.5 के बीच में, और इनमें से कौन सा है इरेशनल नंबर। अब 2 से वैल्यू 2 से 2.5 के बीच में होनी चाहिए, 2 से 2.5 के बीच में होनी चाहिए बेटा वैल्यू। पहला नंबर है √11, √5 सॉल्व करते हैं, लिखता हूं एक है √11, √5, √5 की मेरे को वैल्यू याद है, जो जाएगा 2.236, √11, √11 किसके बाद आता है, √9 के बाद, तो √9 की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है, सो ऑब्वियस ही बात है कि √11 की वैल्यू √9 से ज्यादा होगी, √11 की वैल्यू √9 से ज्यादा होगी, और हमें इसके बीच में चाहिए 2 और 2.5 के बीच में, तो ये तो 3 से ज्यादा हो गया, तो √11 तो आपका इरेशनल नंबर नहीं हुआ। √5 की मेरे को वैल्यू याद है तो मैंने यहां से डायरेक्टली वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 22.5, ये भी √9 से ज्यादा है, और नेक्स्ट है √12.5, ये भी √9 से ज्यादा, क्योंकि √9 की वैल्यू 3 होती है, तो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को 2 और 2.5 के बीच में लिखना है। क्लियर है बात सभी को। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये वैल्यू आपको नहीं लर्न होती तो कैसे करते, द
तब हम ये करते हैं कि सर जैसे कि रूट नाइन है वो तो थ्री होता है, तो नाइन से ऊपर वाले जितने नंबर हो तो हटा ही दो, तो ये तीन नंबर मैंने हटा दिए क्योंकि ये 2.5 से भी बड़े हो जाएंगे, एक बच गया रूट फाइव। अब रूट फाइव जो होता है वो रूट फोर से कम होता है और रूट नाइन से बड़ा होता है। रूट फाइव फोर की वैल्यू होती है टू थ्री, थ्री आ जाएगा जी। और जो हमारे पास जो वैल्यू है ये फाइव, ये जस्ट आफ्टर फोर है, तो इसकी वैल्यू ड्रास्टिकली एकदम से 0.5 स्क्वायर रूट में नहीं बढ़ जाएगी, ये बात को भी ध्यान रखना आप लोगों ने, समझ आ गई ये चीज। वैसे हो सके तो वैल्यूज को लर्न कर लेना, रूट फाइव, रूट फाइव 2.236 होता है बेटा, नोट करके डन। बेटा हम लोग जितने भी तक हमने क्वेश्चंस करे हैं असाइनमेंट में सब कुछ वही सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं वन मार्कर के लिए भी, क्योंकि एंडियन सब में वो आंसर्स ही मांग रहा है, तो सवाल आपको पूरा ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, इफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर्स एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16, रोम्बस की साइड 10 है, डायगोनल एक उसका 16 गिवन है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, देन फाइंड द एरिया of the rhombus. अब area of rhombus, चलो इसको solve. Area of rhombus होता है half d1 d2, तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और diagonal निकालना पड़ेगा। Rhombus की property होती है कि diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं, right angle पे, side मेरे पास 10 है, एसी अगर इसका बिगर डायगनल में ले लूं, एसी को अगर हम इसका बड़े वाला डायगनल कंसीडर कर लें जिसकी वैल्यू 16 है, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो ये दो कितना रह जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 8 वैल्यू आ जाएगी, OA एंड OC विल बी 8। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो AOB में, ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर is equal to AB square, 8 square plus OB square is equal to 10 square, OB square 100 minus 64 which is 36, OB आ जाएगा आपके पास 6 centimeters, OB will be 6 centimeters, अगर आधा पार्ट OB 6 आ गया तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 centimeters, This is 12, और आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 d2, डायगनल 1 कितना है 16 है, डायगनल 2 इज 12, एरिया आ जाएगा आपके पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ, एवरी इरेशनल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है, दैट इज अ रियल नंबर। फिफ्थ का आंसर मार्क कर लो, सी पार्ट रहेगा, दैट इज रियल नंबर, नेक्स्ट अ बैग कंटेन्स, a bag contains x white, y red and z blue balls, a ball is drawn at random, then find the probability of a blue ball, probability ka hamara ye trend aap log ne formula for the basic probability of any event is equal to number of favorable outcomes upon me टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल कौन सा है, ब्लू, ब्लू कितना नंबर है आपको जेड गिवन है, अपॉन टोटल, टोटल इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर टू एवरीवन। ये हम लोग इंदिरा मस्ता का पेपर कर रहे हैं,
और इंद्र अवस्था का पेपर का लेवल हमेशा अच्छा सा ही रहता है, बेसिक पेपर नहीं होता है इनका, सेंट फ्रांसिस या मीरा मॉडल की तरह, ये उनके स्कूल के पेपर बहुत इजी रहते हैं। आप लोगों के स्कूल से किसी के स्कूल से अगर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आएगा तो आप लोग फॉरवर्ड कर देना बेटा, सो दैट वी कैन कवर इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विल चेंज इफ ईच ऑफ इट साइड इज डबल्ड। अब ये क्वेश्चन ना इस बार 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 आ रहा है वाला क्वेश्चन, एक स्कूल और एक और स्कूल में आया था यही सेम क्वेश्चन, तो इसको करना कैसे है? आपको बोल रहा हर एक साइड को डबल कर दिया तो एरिया कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, गिरोन सॉल्व करना आपने तो, ये हमारा ए बी सी, ये साइड ए दिस इज बी दिस इज सी, सेमी पेरिमीटर निकालते हैं हम लोग सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, और फिर हम लोग उसका एरिया निकालते हैं, एरिया का होता है फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब मैं इसे निकालू कैसे, हम लोग क्या करेंगे हर एक साइड को क्या डबल कर दो, एक नया ट्रायंगल हमने फॉर्म कर दिया, ये वाली साइड हो जाएगी 2a, दिस इज 2b और ये साइड हो जाएगी 2a 2c, समझ लो, नोट्स बाद में करते रहना। पहले निकालेंगे सेमी पेरिमीटर, दूरी हो जाएगा a plus b plus c by 2, कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c की वैल्यू क्या है, दिस इज कैपिटल a दिस इज कैपिटल b और दिस इज कैपिटल c, 2a plus 2b plus 2c divided by 2, ये आ जाएगा हमारे पास। फर्दर अब मेरे को ना कंपेयर करना पड़ेगा किससे, ये पहले वाले से, पहले हमारी एस की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, अब कुछ इस टाइप से आ रही है, तो मेरे को नया सेमी पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ द ओल्ड सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। न्यूमरेटर से टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो न्यू सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द ओल्ड सेमी पेरीमीटर, दिस इज ट्वाइस द ओल्ड सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट अब एरिया निकालना है, एरिया विल बी एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, समझ लो, नोट बाद में करते रहना, नकल हो जाएगी, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। कैपिटल एस की वैल्यू ट्वाइस ऑफ स्मॉल एस है, कैपिटल एस की वैल्यू ट्वाइस ऑफ स्मॉल एस माइनस कैपिटल ए, कैपिटल ए की वैल्यू क्या ट्वाइस ऑफ स्मॉल ए, ट्वाइस ऑफ स्मॉल एस माइनस ट्वाइस ऑफ स्मॉल बी, टू एस माइनस टू सी, ये आ जाएगा। मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, इस वाले 2 कॉमन लेंगे, इससे 2 कॉमन लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 एस 8 टू द 16, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 16 एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मैं अगर यहां पे लगाता हूं तो ये आपके पास हो जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो नया पेरीमीटर 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स आ गया, ये हमारा पुराने वाला एरिया था, ये हो जाएगा ओल्ड एरिया, सो आवर न्यू एरिया विल बी 4 टाइम्स द ओल्ड एरिया। एक बार नोट करो, मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं इसी को, नोट कर लो आराम से, फटाफट नोट करो फिर मैं आगे कराऊं आपको। यहाँ पे आपके पास एक एबीसी एक ट्रायंगल है, तीन साइड है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एरिया हम पहले सेम पेरीमीटर स्मॉल एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू निकालते थे, एरिया होता था स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी होता है। अब एक नया ट्रायंगल बनाना है जिसके अंदर जो साइड है हमारी वो 2a 2b 2c है,
और जो नया सभी पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 2 हो जाएगा, 2a 2b का सूसी अपॉन डिवाइड बाय 2, क्वेश्चन में 2 कॉमन लिया तो नया सेमी पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वन है, फिर एरिया क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ s s - a s - b s - c, abc की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी, कैपिटल s की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, फिर हमने यहां पे क्या करा बेटा 2 यहां से कॉमन लिया, यहां से भी लिया कॉमन, यहां से भी, तो 2 * 2 * 2 कितना हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 16, क्लियर है जी किसी का, नेहल नेहल ये वाला स्टेप तक समझ आ गया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 16 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड वन रैशनल नंबर, इजी सा टॉपिक है खुद कर लोगे। 9th प्रोबेबिलिटी अ डाइस थ्रोन, एक अगर डाइस डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5 6, अगर हम एक डाइस को बेटा थ्रो करेंगे तो उसके आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे उसके आउटकम आएंगे। उसके बाद आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सैंपल स्पेस, तो क्या क्या आ सकता है वो वहां पे 3 और 6 आ सकता है, 2 by 6 1 by 3, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 8 + 3√7 x = 8 + 3√7, find the value of x minus 1 by x, सबसे पहले 1 by x की वैल्यू निकालिए, दैट इज 8 - 3√7, रैशनलाइज करेंगे इसको, a + b × a - b, a² - b² = 8² = 64 - 3√7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, अर्शप्रीत अर्शप्रीत कितना होता है बेटा 3√7 का स्क्वायर, 3√7 का स्क्वायर 63 होता है, चलो जाएगा 8 + 3√7, तो ये हमारे को वैल्यू आ जाएगी 1 बाय x की, आपको निकालना है x माइनस 1 बाय x, x की वैल्यू है 8 + 3√7 माइनस 1 बाय x की, यही है। अब अगर किसी ने ध्यान दिया हो, क्योंकि सारे तो नकल करने में फोकस थे, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास 8 + 3√7 था और मैंने यहाँ पे माइनस दिया और सब नकल में फटाफट लगे हैं, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस था, जिससे हमारा डिनोमिनेटर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 8 + 3√7 - 8 + 3√7, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर समझ आ रहा है सचित, कुछ समझ आ रहा है? 11 जो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 9√3, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और हमें एरिया कितना गिवन है 9√3, 9 × 4 = 36, a = 6 cm, a = 6 cm,
सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा है दैट इज रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर क्योंकि वन मार्क है ना तो ये लर्न करना पड़ेगा तीन नंबर का होता है पूरा सॉल्व करके निकालते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर एरिया ऑफ नाइन रूट थ्री रूट से रूट थ्री कैंसिल नाइन फोर का थर्टी सिक्स ए स्क्वायर तो ए की वैल्यू सिक्स आ जाएगी ए मतलब साइड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो मैं बोल रहा वन डे During games period, four friends A, B, C, D, they planned to play game using the number cards. They prepared 20 numbered cards with labels 1 to 20 and then they put all the number cards in an empty chalk box in the class. Probability ka question hai basically. Aapko question mein bol raha sabse pehle find the probability that first boy pick the card. And he gets an even number. 1 से 20 तक है हमारे पास टोटल पहले हमें पार्ट में बोल रहा है इवन नंबर निकालने के लिए इवन नंबर कितने होते हैं 10 हो जाएंगे सिंपल हाफ कर देंगे क्या आ जाएगा 1 बाय 2 आ जाएगा आई गेस इवन नंबर हनुमान पता है क्या होता है तन्मय इवन नंबर कौन से होते हैं जिसको इंच कैसे करते हैं 2 4 6 8 0 से वो इवन नंबर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 Second, if the card drawn in the first case is replaced and then the second boy draws a card, what? Achha, replace kisse kar raha lekin? If the card drawn in the first case is replaced and the second boy draws a card, which what is the probability of getting a prime number? Replace if the card drawn in the first case is replaced. अच्छा sorry यहाँ पे replace का मतलब आ रहा है कि उसके अंदर वापस हमने डाल दिया तो आपको probability निकालनी है prime number कौन कौन से है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 8 by 20, 4 से cancel करेंगे तो 2 by 5 आ जाएगा There are 8 prime numbers between 1 to 20. So, our answer 8 by 20 aa jayega. Tanmay, you were supposed to come offline. Next class mein offline aana chahiye beta jab tak aapka exam hai. नेक्स्ट जस्टीन कौर थर्ड पार्ट का आंसर बताओ इफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड कार्ड को हमने रिप्लेस नहीं करा है अब कार्ड को रिप्लेस नहीं करा तो मतलब अपने पास रख लिया तो 20 में से एक कार्ड कम हो जाएगा कितने बचे 19 कार्ड हो गए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 ग्रेटर देन 4 इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ 3 हमें चाहिए बट वो मल्टीपल जो हमारा 4 से बड़ा हो अब इसको कैसे करें 4 से बड़ा नंबर पहला क्या हो जाएगा हमारे पास 5 7 ये देखो क्या बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए सॉरी तो मल्टीपल ऑफ 3 पहले लिख लो बट मल्टीपल क्या चाहिए हमें 4 से बड़ा चाहिए तो 3 हट जाएगा कितने बचे 1 2 3 4 5 तो क्या प्रोबेबिलिटी की 5 बाय 19 हो जाएगी 5 बाय 19 दिस इज ऑप्शन नंबर डी डी ऑप्शन है इसका आंसर नेक्स्ट आपको बोल रहा है फॉर अ श्योर इवेंट का मतलब जो होगा ही होगा जो होगा ही होगा जिसका प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 1 हो जाएगी कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी विल बी 1 द सन राइजेस इन द ईस्ट सन सेट्स इन द वेस्ट ये हमारे रिजल्ट है नेक्स्ट इफ ऑल कार्ड्स ड्रॉन आर रिप्लेस्ड
then what is the probability of getting a multiple of 3 and 5? All cards drawn are replaced. वापस डाल दिए तो मतलब द्वारा आपका 20 आ जाएगा टोटल. What is the probability of getting a multiple of 3 and 5? अब जो नंबर है वो 3 का भी मल्टीपल हो 5 का भी मल्टीपल हो. 3 के मल्टीपल्स होते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18. 5 का मल्टीपल होता है 5, 10, 15, 20. बट वो कह रहा है आपको मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए. तो वो कौन सा नंबर एक ही है फिर हो जाएगा 1/20. क्योंकि जब भी एंड लग जाएगा तो वहां पे उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे. मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था बट पता होना चाहिए. जब भी एंड होगा तो आप क्या करोगे दो दो नंबर गिवन है 3 और 5 दोनों का एलसीएम ले लो. 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15. तो 15 के मल्टीपल ढूंढ लेना कितने कौन कौन से हैं. ठीक है नेक्स्ट. बी पार्ट सेक्शन बी फर्स्ट. सर मेरे सिलेबस में नहीं आ रहा. अगर नहीं आ रहा प्रोबेबिलिटी तो कर लो. ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है तो समझने में बहुत मुश्किल होगा इसको समझने में. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. अ कार्ड इज ड्रॉन from a well-shuffled deck of 52 cards, find the probability that the card drawn is neither a king nor a queen. Neither a king nor. तो मतलब ये दोनों तो नहीं होने चाहिए. तब ये cards की cases कौन-कौन से होते हैं? ये भी मैं आपको explain कर देता हूँ. तो हर किसी को हो सकता है नहीं आते हो. Cards आपके 52 होते हैं. 52 cards four suits में divided होते हैं. Four suits मतलब उसमें अलग अलग डिजाइन होता है. एक होता है हमारे पास हार्ट डायमंड. ये दोनों के दोनों रेड कलर के होते हैं. फिर एक होता है क्लब ब्लैक कलर. फिर स्पेड ब्लैक कलर. ये आ जाएगा हमारे पास. फिर इसके बाद हर एक के अंदर 52 को 4 में डिवाइड करूंगा तो सबके 13 कार्ड हो जाएंगे. 52 को 4 में डिवाइड करेंगे तो हर एक के 13 कार्ड हो जाएंगे. भगवान का आंसर गलत है. 50 और 50 50 और 50 गलत आंसर. अब इनके अंदर जो लिस्टिंग होती है वो कैसे होती है बेटा. सबसे पहले लिखा होता है ए. ए का मतलब होता है एस जिसको हिंदी में इक्का बोलते हैं. 2 3 5 4 7 से लेकर 10 तक नंबर डालेंगे हमारे सारे. फिर आपके पास आता है जैक क्वीन किंग. जैक के लिए जे क्वीन के लिए क्यू किंग के लिए के यूज करेंगे हम. कह रहे हैं अब आपको क्या कहा है कि ना किंग चाहिए ना क्वीन चाहिए. बट उससे पहले ये तो एक सूट के अंदर एक किंग एक क्वीन और एक जैक है तो पूरे कार्ड्स में किंग कितने होंगे पहले तो ये बताओ. किंग 4 हो जाएंगे क्वीन भी 4 होगी तो हर एक कार्ड जो होता है फिर 4/4 डायरेक्टली रिजल्ट में पहुंच जाते हैं. सीधा आंसर समझ लो पहले. हर एक कार्ड कितने होते हैं 4 होते हैं. एस बोलूंगा तो ये 4 होंगे. 2 नंबर वाले कितने होंगे 4 होंगे. 5 नंबर वाले कितने होंगे 4 होंगे. तो सबके 4-4 कार्ड होते हैं. ठीक है. रेड कार्ड कितने होते हैं 13 + 13 26. ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे. अगर मैं बोलूंगा डायमंड कितने हैं तो डायमंड कितने हैं 13 है. क्लब कितने हैं 13 है. स्पेड कितने हैं 13 है. क्लियर है बात सभी को. तो अभी मैं कोई भी कार्ड की प्रोबेबिलिटी बोलूंगा. अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग तो क्या आ जाएगी 4/52. प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 4/52 आ जाएगा. लेकिन अगर मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एस रेड एस. अरे दिमाग तुम बोलो पहले समझ लो बेटा. बच्चे इंपॉर्टेंट है समझना तभी बार बार रेड केस करवा रहा हूँ. रेड एस. रेड एस का मतलब है लाल रंग का एस आना चाहिए. रेड एस का मतलब क्या होता है लाल रंग का एस. लाल एक एक हार्ट का होगा और एक डायमंड में होगा. तो 2/52 क्योंकि एक एस यहाँ आ रहा होगा एक एस यहाँ पे आ रहा होगा. स्वांतम वापस क्या आ जाएगा 2/52 आ जाएगा. सिर्फ रेड वर्ड पढ़ के 26 लिख देंगे.
पूरा पढ़ना पड़ेगा कि क्या है ये, समझ आ रहा है हरमन? ये बातें चल रही है साथ में, मम्मी साथ, कोई तो साथ बैठा हुआ बातें करने में लगे हुए हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जैक, ब्लैक कलर, ब्लैक किसको होता है, क्लब और स्पेड में, जैक बोल रहा है, जैक हो गया जे, तो एक जे इसके अंदर होगा, एक जे इसके अंदर होगा तो कितने जे हो गए, दो जे जैक हो गए, तो 2/52। फिर मैं आपको बोल रहा है वो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर किंग नॉर क्वीन, नीदर का मतलब नहीं होना चाहिए, किंग भी नहीं होना चाहिए, क्वीन भी नहीं होना चाहिए, टोटल 52 है, किंग कितने हैं 4, माइनस कर लो 48, क्वीन भी नहीं चाहिए उसको भी माइनस कर दो, कितना बचा है 44, तो 44/52 ये रहे। और सारे आंसर हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हमने कैसे करा, नीदर किंग नॉर क्वीन को, नीदर का मतलब होता है नहीं चाहिए, नीदर मतलब नहीं चाहिए, ना किंग चाहिए ना क्वीन चाहिए, तो टोटल 52 थे, उनमें से चार चार माइनस कर दिए तो बचे 44 नेक्स्ट केस है हमारा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बट अपने आप कन्वर्ट कर लेना, कि मैं लॉजिक में कुछ समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कैलकुलेशन सिखाना, कैलकुलेशन तो मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, नौवीं में कभी पहुंचे हो, 3 साल तो ऑफलाइन ही पढ़े हो स्कूल में, इधर एस 3 साल मतलब 6-7 दिन, इधर एस, इधर इधर एस का कोई मतलब ही नहीं है, इधर एस का मतलब या एस का मतलब एक ही चीज होती है, तो अगर मैं यहां लिख दू स्पेड, द 10 ऑफ स्पेड, तन्मय अभिनव आंसर बताओ, तन्मय अभिनव दसलीन हरमीत आंसर बताओ इसका, सामने सामने आंसर लिख रहा है पूरा बना हुआ, इसके बाद भी नहीं आ रहा, आपका आंसर 13/52, 3/52, 10/52, इनमें से क्वेश्चन ना ढंग से पढ़ते ही नहीं, समझने की इच्छा नहीं है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हरमन आप ही रिप्लाई कर सकते हो, खाली थोड़ा बैठे रहना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, 10 नंबर आना चाहिए, 10 कितने होते हैं 4 होते हैं, सब में एक एक होता है, लेकिन मुझे 10 नंबर किसका चाहिए, स्पेड का चाहिए, तो स्पेड में एक ही 10 होगा ना, तो 10 ऑफ स्पेड 1/52, सिर्फ नकल रटने में लगे हुए हो, समझो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन क्या आंसर आएगा इसका, दिस इज 2/52, क्योंकि ब्लैक कलर के दो ही सूट है, एक क्वीन इसमें होगी एक क्वीन इसमें होगी, तो 2/52 विच इज 1/26, वेरी गुड नेहर, तो अब तो मेरे ख्याल से कोई भी केस आएगा सॉल्व कर लोगे इसको, कोई एक रैंडम केस खुद ही बना के दो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक अपने आप सोचो कुछ प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल सकते हैं, वो केस मेरे को बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड डायमंड, गलत, इनका रजत का है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड डायमंड, डायमंड तो होता ही रेड है, तो आस्किंग गलत होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड बोलोगे तो वो आ जाएगी 13/52, क्योंकि डायमंड, डायमंड में कोई भी कार्ड आ सकता है, समझ आ गई बात, फिर एक डाउट है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 ऑफ क्लब, 13 होता ही नहीं है, वो भी गलत है, 0, तो क्वेश्चन ही नहीं है, वो आस्किंग गलत है, 13 नंबर भी होता ही नहीं है, अगर आप सोचो सर किंग का मतलब 13 है, नहीं, किंग के लिए डोनेशन के है या किंग है उसका नाम, 13 नंबर नहीं इसका, 12 नहीं इसका, 11, समझ आ गई जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट्स, ये ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट्स, हार्ट में एक ही किंग है, 1/52, यस संचिका, नीदर रेड, वेरी गुड, नीदर रेड नॉर किंग, वेरी गुड केस, अब कह रहे हैं रेड कलर नहीं होना चाहिए, तो 52 में से 26 तो हटा दो, ये दोनों के दोनों 26-26 हट गए, तो रेड तो हट ही गया, तो बचे ये वाले कार्ड, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं नॉर किंग, रेड तो नहीं होना चाहिए,
तो ये मैंने 26 तो हटा दिए सारे रेड कलर के। फिर कह रहा कि किंग में ही होना चाहिए, तो किंग तो इसके अंदर भी है, एक किंग इसमें एक किंग इसमें है, माइनस टू कर देंगे, दे 24/52। वेरी गुड सर। इन किंग ऑफ हार्ट्स शुड नॉट, किंग ऑफ हार्ट्स किसने पूछा ये, किसी का किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट, अच्छा किसी का नहीं बेटा, किसी का डिनोमिनेटर में 13 नहीं होगा, 52 ही आएगा, क्योंकि टोटल कार्ड्स लेने होते हैं हमें, क्लियर है? नहीं बेटा, किंग ऑफ हार्ट्स का मतलब होता है कि किंग आना चाहिए हार्ट्स का, समझा भी, तो वो एक ही है, तो नीचे टोटल ही आएगा आपके पास। नेहल कह रही है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर, चलो यही क्वेश्चन दे रहे हैं हम, यही भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छी बात है पार्टिसिपेट कर रहे हो, रटने का कोई फायदा नहीं है, मैथ्स रटने से भी नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर ईदर किंग ईदर किंग ऑफ स्पेड और क्या हो जाएगा, क्वीन ऑफ हार्ट्स, गुड केस। अब कह रहा है या तो किंग आना चाहिए किसका, स्पेड का, स्पेड में एक ही किंग होगा, स्पेड में एक ही किंग होगा, और क्वीन चाहिए किसकी, चाहिए हार्ट की, हार्ट में एक ही क्वीन होगी, हो गया 1+1/52, 2/52, समझ आ गई है चीज, क्लियर है ये क्लियर है, ग्रेट। रचित का एक डाउट है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ब्लैक, नीदर ब्लैक नॉर एस, तो ये सेम केस हो जाएगा, रेड की जगह ब्लैक हो गया, 26 में से माइनस हो गए, नॉर किंग की जगह एस कर दिया, तो सेम प्रोबेबिलिटी है 24/52, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 0.1156556 को हमें P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अपने आप करिए इसको और चैट बॉक्स में आंसर बताओ। 31/198, चलो चेक करते हैं, एक बच्चे का आंसर 99 आ रहा है डिनोमिनेटर में, 0.1565656 एंड सो ऑन, सो लेट x इज इक्वल टू 0.156 बार, हम लोग यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर 10x इक्वल टू 1.56 बार आ जाए। अब हम लोग हमेशा बार डेसिमल के साथ आना चाहिए, बार दो डिजिट पे है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास हो जाएगा 1000x, आगे शिफ्ट कर देंगे 156.5656561, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दोनों को लीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, 1000x - 10x, 156.56 बार माइनस 1.56 बार 155, 990x डिवाइड करो 150/990, 5 से डिवाइड करिए दिस 31/198। एक किस तन्मय का आंसर, तन्मय थोड़ी कैलकुलेशन पे फोकस कर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 एनिसोसलीस ट्रायंगल हैज पेरिमीटर 30, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खुद करेंगे यार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करोगे, 16 करते हैं हम लोग, 16 क्वेश्चन में आपको बोलना -2/√5+2 -√5+2/√5-2,
फटाफट सॉल्व करिए इसको। चलो भाई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। रूट फाइव माइनस टू अपॉन रूट फाइव प्लस टू, साथ में लिखा हुआ है माइनस रूट फाइव प्लस टू अपॉन रूट फाइव माइनस टू। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक पार्ट को सॉल्व कर लूंगा, अगले पार्ट में सिर्फ आंसर चेंज करते हैं, तो डायरेक्टली आंसर चेंज कर लेंगे। आंसर चेंज करना जरा प्लस माइनस का साइन चेंज करना है, a plus b into a minus b, a square plus b square minus 2ab, 2 to the 4, 4 root 5, divided by 5 minus 4, 9 minus 4 root 5, 9 minus 4 root 5, ये हमारे पास आंसर किसका आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं root 5 plus 2 upon root 5 minus 2 को सॉल्व करूंगा, इसका आंसर आ जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5, यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा है। अब सॉल्व करो इसको, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 9 माइनस 4 रूट 5 माइनस 9 प्लस 4 रूट 5, 9 माइनस 4 रूट 5 माइनस 9 माइनस 4 रूट 5, दिस गिव्स माइनस 8 रूट 5, माइनस 8 रूट 5, यस भव्य एंड किसी का। हो गया सबका। नेक्स्ट सेवेंटीन, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 लॉन्गर देन द स्मॉलर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी, स्क्रीन शेयर बेटा हटा रहा हूं मैं, आपको बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है वो 50 है, वन साइड मतलब इसकी बात कर लेते हैं, दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर। अगर ये मेरी स्मॉलर है, इसको एक्स ले लेते हैं, तो ये वाली साइड कितनी है 4 लॉन्गर देन द स्मॉलर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4, एंड द थर्ड साइड इज 6 less than twice the smaller, third क्या है 6 smaller than twice the smaller, तो ये जगह 2x minus 6, 2x minus 6, आपके पास perimeter given है, perimeter 50 है, x plus 4 plus 2x minus 6 is equal to 50, 4x minus 2 is equal to 50, 4x is equal to 52, 4x is equal to 13, x is equal to 13, very good Kishika। और फिर हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, अभी तो हमने सिर्फ साइड निकाली है, अब साइड जाए, अगर ट्रायंगल द्वारा बना लेता हूं मैं, एबीसी दिस इज 13 20 17, 13 20 एंड 17, यस सेमी पेरीमीटर डिवाइड, जो क्या होता है पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, पेरीमीटर तो हमारा सेम ही रहेगा 50, मैं तीनों को प्लस करूंगा तभी सेम ही आएगा, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस 13
25 minus 17, 25 minus 20. 25 into 12 into 8 into 5. 20 root 30 दिस इज योर आंसर. क्रॉस चेक कर लीजिए सब लोग. क्रॉस चेक करके डन. नेक्स्ट सिंप्लीफाई बराबर बेटा. स्टार्ट कर दीजिए इसको करना. यहां पे आपके पास गिवन है 12 root 18 माइनस 6 root 20. 12 root 18 माइनस 6 root 20 प्लस दिस इज माइनस 3 root 50 प्लस 8 root 45. 18 के फैक्टर्स अगर आप बनाओगे तो बनेंगे 3 into 3 into 2. 20 के फैक्टर्स बनेंगे 2 into 2 into 5. 50 के फैक्टर्स बनेंगे 5 into 5 into 2. 45 बनेगा 3 into 3 into 5. 12 3 36 root 2 माइनस 6 2 12 root 5 माइनस 15 root 2 24 root 5. 36 माइनस 15 इज 21 प्लस माइनस माइनस साइन लेगा बड़े नंबर का 12 root 5. आंसर आ गया 21 root 2 plus 21 root 5. हरमन ये आ गया. हरनीत दसनीम दृष्टि वर्मानी अभिनव. अभिनव बेटा क्लास ऑफलाइन लिंक सॉरी ऑफलाइन करो लगा के छोड़ दिया करो. पिक्चर चल रही है कोई रिप्लाई तो करना नहीं चैट बॉक्स में. डन एवरीवन. ग्रेट. ये वाला पेपर हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है. ये इस साल का पेपर था इंद्रप्रस्थ 2021 का. नेक्स्ट देखिए आईटीएल का एक पेपर है. आईटीएल पब्लिक स्कूल पीटी 1 है हमारा. प्री टर्म 1 है. अब ये वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो सेम एनसीईआरटी का हमें क्वेश्चन दे दिया. देखो आपको रहता है सर वन मार्कर में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा. और जब भी हम लोगों ने ट्रायंगल्स को प्रैक्टिस करा था मैंने आपको बताया था कि हर एक पार्ट से पूछेगा कि किसको कैसे करना है. तो ये वाला पेपर तो मुझे लग रहा है आप लोग खुद पहले ट्राई करो उसके बाद मेरे कराने का फायदा है. पहला वाला जो क्वेश्चन है 1 to 5 की खुद ट्राई करना. नहीं होगा तो मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा आपको. बट एक बार इसको खुद ट्राई करना 1 to 5 क्योंकि क्वेश्चन की आस्किंग एकदम डिफरेंट है और इजी है. इसलिए मैं नहीं करवा रहा अभी क्योंकि आई वांट यू टू ट्राई फर्स्ट. अब सेकंड वाले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको केस स्टडी है. यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है. कह रहा क्लास साइज. क्लास साइज तो यहाँ पे सिक्स में क्लास साइज कितना होगा. क्लास साइज क्या होता है. गैप. गैप कितना है 5 का. गैप कितना है 5 का क्लास साइज. तो हमारे पास दो ऑप्शन है इसके. एक है सी और एक है डी. लेकिन साथ में पूछा है क्लास मार्क. क्लास मार्क किसका निकालना है 165 से 170 का. अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं यही मैंने आपको बताया था. क्लास मार्क निकालने का ऑप्शन है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू. 165 प्लस 170 अपॉन टू 167.5. वेरी गुड. वो सी किसी का. वेरी गुड.
अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस डिवाइड बाय टू, तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, डी पार्ट 5,167.5 7 इफ द स्मॉलेस्ट कैरेट ऑफ लेंथ 152 mm एंड द लार्जेस्ट 189 है, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, 189 माइनस 152 37, तो 37 इज द रेंज। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेट्स ग्रोन बाय सोहन लाल आर डैश एमएम लॉन्ग, 8 में कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेट्स ग्रोन बाय सोहन लाल, तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है 11 किसकी है 175 टू 80 की, 175 टू 80 सी पार्ट रहेगा आंसर, चैट बॉक्स में क्या है रिप्लाई, हाँ ठीक है सी पार्ट इज द आंसर, ये ऊपर वाले का 37 तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी करेगा तो उसको आंसर पता हो पहले से। 9 The data collected and tabulated above, ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, पिक्टोग्राफ प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा, दिस इज सेकेंडरी डेटा क्योंकि ये टेबल बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी टेबल है ये, बट फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा, जैसे फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ये सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा क्यों होगा, प्राइमरी डेटा होगा वो रैंडम होगा हमारा, अनग्रुप्ड होगा, कोई वैल्यू 130 कोई 150 कोई 152 ऐसे आ रहा होगा, क्लियर है, तो जो डेटा को हम लोग प्रोसेस कर देते हैं इजी वे में, जिसमें इजीली हम लोग उसको रीड कर सके, उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, क्लियर है। नाउ 10 इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू कन्वर्ट द गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डेटा थ्रू, it is always necessary to convert the given data in the continuous form to present the data through kya bar graph histogram line graph frequency polygon kya rahega anyone histogram anyone else frequency polygon aur koi that is always necessary to convert the data in the form of continuous frequency distribution कंटिन्यूस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम के लिए होता है, हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोग्राम, तो बेसिकली हमें पहले क्या करना होता है हिस्टोग्राम बनाना होता है और उसके जो मिड पॉइंट्स को मैं जॉइन कर देता हूं तो हमें क्या मिलता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिलता है, तो बेसिक फॉर्म क्या हमारी हिस्टोग्राम। नेक्स्ट एसर्शन एंड रीजनिंग आसान सा है, ये सब खुद करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगा ही। यहाँ पे 13-14 वाला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 13 भी इजी है, सेकंड पार्ट जब एनसीईआरटी का ही गिवन है हमें, 15th इजी, 16th एनसीईआरटी का है, 17th असाइनमेंट में ऐसा करा हुआ है, हम लोग दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे, 19th हमारी थ्योरम है वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल इक्वल करने हैं, आसान से यार ये कर दो, किसके स्कूल का आईटीएल पेपर है, वेरी इजी, स्टार्टिंग में सिर्फ जो क्वेश्चंस थे हमें केस स्टडी की फॉर्म में वो देखने में मुश्किल लग रहे थे, बट एक्चुअली इवन वो भी नहीं है डिफिकल्ट, क्लियर है।